आइए मैम प्लीज प्लीज साइड प्लीज साइड दीजिए आइए मैम अब मिस पायल वालिया मिस्टर स्टीवन स्मिथ के साथ टेक ओवर की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगी। मिस वालिया ने अपने ग्रुप मॉब को मिस्टर स्मिथ की कंपनी ब्रिटिश लाइफस्टाइल मैगजीन ग्रुप को बेचने का फैसला किया है और ये सारी फॉर्मेलिटीज आप सभी मीडिया वालों के सामने पूरी की जाएंगी। Dear all, now the merger of Khurana is complete. Mr. Smith, what are you? You know that we are the part of this family. Say this, well known to our family. And now they will be business associates. May I call up Sid Khurana to join me on stage? Thank you so much. Welcome, everybody. सच कहूं तो मोव मेरी कंपनी नहीं है, ये कंपनी उनकी है जिन्होंने इस कंपनी में खून पसीना लगाया है, दिन रात एक किए हैं, तन का चैन खोया है, रातों की नींद लगाई है और अपना सब कुछ लगा के वो इस कंपनी को स्क्रैच से लेकर के उस पायदान तक लेके आए हैं जहां इतना बड़ा मर्जर पॉसिबल हो पाया है। वो दो नाम जिनकी वजह से यह सब कुछ पॉसिबल हो पाया है वो है मिस्टर नील सेन गुप्ता एंड माई वाइफ रोशनी पटेल। एक ऐसा इंसान है जिसके बिना यह सब कुछ नहीं हो पाता, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, वो एक नाम जिसे इस मर्जर का पूरा 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 श्रेय जाता है और वो एक नाम है मिस पायल वालिया। अगर मिस पायल वालिया उन कागजात पर दस्तखत नहीं करती तो मूव मिस्टर स्टीवन स्मिथ के पास नहीं जा पाती और अगर मूव मिस्टर स्टीवन स्मिथ के पास नहीं जा पाती तो खुराना एंटरप्राइजेस के पास नहीं आ पाती और अगर हमारे पास नहीं आ पाती तो हम मूव को मिस्टर नील सेन गुप्ता और सेन गुप्ता फैमिली को वापस नहीं कर पाते। श्री कृष्ण अपना आशीर्वाद बनाए रखना हम पर, मेरा बच्चा आने वाला है, 8वां महीना है, सब ठीक कर देना यार। सिद्धार्थ ओ गॉड तुम्हें अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। देखिए 8वें महीने की डिलीवरी काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे। मुबारक हो आपको बेटा हुआ है।
सिद्धार्थ. अरे awesome news यार, awesome news. सुनते ही आ गए हम तो. Congrats Sid. Thank you Rhea. रोशनी कैसी है? बढ़िया. ये लो मैं cupcakes लेके आई. Cupcakes ले आई तुम इस हालत में? मैं पता खा खा के गेंडी हुई पड़ी अंदर वो. अगर और खिला दिया हथनी बन जाएगी, मेरी वाट लग जाएगी. अरे भाई को सैलेड वैलेड लेके आना चाहिए था, क्या ले आई है? रात के फट रहा है. तू भाई है मेरा, क्यों? सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तुझे कुछ नहीं करना. देख भाई, बच्चा पैदा कर दिया, मेरा हो गया नाम, तू रख. हाँ. अरे बाप रे, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोचना पड़ेगा यार. कोशिश करते हैं. करण भी नाम में दम है मिसेस के. हाँ, गुड नेम. करणवीर. चलो भाई, ये भी तय हो गया कि करणवीर बच्चे का नाम. मेरे बेटे का नाम करणवीर है. खिलाओ भाई. अरे एक सेकंड, तुम लोगों को पता कैसे चला कि यहाँ खुशखबरी मिलने वाली है? मीठा लेके चले. व्हाट? हम भी एक वैसे गुड न्यूज देने आए. क्या है भाई गुड न्यूज? कुछ एक्चुअली वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग. व्हाट? अबे क्या बात कर रहे हैं? सीरियसली? माय गॉड, नाउ दैट्स अ ग्रेट न्यूज यार. तो लगता है सारे ग्रह नक्षत्र एक ही लाइन में. सॉरी सर, सॉरी. भाई वाह, मिसेस सेन गुप्ता, प्रोडक्शन इन प्रोग्रेस विदाउट अनाउंसमेंट. अब मैं बाहर आ गई हूँ सिड खुराना, अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू. कुछ ही दिनों में मैं उसी घर में वापस आऊंगी, फिर शुरू होगा असली मजा. पायल वालिया तुम्हारा काल बनकर आ रही है सिड खुराना. सॉरी मैम, हमारे हॉस्पिटल में ये सब काम नहीं होता है. कोई भी यहाँ आकर अपनी किडनी नहीं बेच सकता है. हम ऑर्गेन डोनेशन का यूनिट चलाते हैं, किडनी की दुकान नहीं. और हाँ, आप जो करना चाह रही हैं ना, वो इल्लीगल है, और इल्लीगल काम हम नहीं करते हैं. डॉक्टर, मैं समझती हूँ, लेकिन यू प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड डॉक्टर, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है. मैं कहाँ जाऊँगी? मुझे, मेरा और कोई नहीं है. आई हैव नो अदर चॉइस डॉक्टर. डॉक्टर प्लीज प्लीज कुछ कीजिए, मुझे पैसे. देख, दीदी रुको. इतनी नाराज हो, क्या बात भी नहीं करोगी? नाराज में हो रही है, लेकिन खुद से पछतावा भी है और शर्मिंदगी भी. देखो पाए, पछतावे से बड़ी कोई सजा नहीं होती, पर प्रायश्चित से बड़ा कोई बदलाव नहीं होता. जहां से मैं तुम्हें देख रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम पछता भी रही हो और बदली भी हो. अपने हिस्से की सजा तुम काट चुकी हो पायल, बस अब इसके आगे और कुछ नहीं. यू डोंट डिजर्व इट, यू डिजर्व टू बी विद योर फैमिली. रिया तुम्हारे परिवार है, उसका होने वाला बच्चा तुम्हारा परिवार है, और इस बच्चे की मां से होने के नाते कुछ फर्ज तो तुम्हारे भी बनता है ना. पायल की बहन के पास मैं हूं, हमें पायल की कोई जरूरत नहीं. सॉरी बेबी, आने में थोड़ा लेट हो गया.
नील, ये वक्त नाराज होने का नहीं है। ये बात तुम्हें अच्छी लगे या बुरी लगे, बट द फैक्ट इज दैट पायल तुम्हारा परिवार है और एक परिवार में होने की कई जिम्मेदारियां होती, जिसमें से एक जिम्मेदारी ये होती है कि अगर परिवार का सदस्य कोई गलती कर दे तो बाकी सदस्यों का फर्ज बन जाता है कि वो उसे माफ कर दे। दीदी यहाँ आइए ना, सब लोग आपको पूछ रहे वहां क्यों खड़ी हो, आओ या, या। अरे नील, रिया मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि तुम जल्दी से एक अच्छी सी प्यारी सी सुंदर सी बच्ची को जन्म दे दो। आफ्टर ऑल मेरा करणवीर बड़ा होगा तो लाइन मारने के लिए कोई तो होना चाहिए कि नहीं। Excuse me, तुम्हें कैसे पता कि हमारी लड़की होने वाली है? हाँ, अरे तुम्हें पता नहीं है मेरा पति अंतर्यामी है, वो जो बोलता है वही होता है। इसकी मत सुनो, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ और ऐसा भी नहीं कि जो मैं बोलता हूँ वो हो जाता है, लेकिन हाँ एक बात जरूर है, जो मैं बोलता हूँ कर देता हूँ। इस पे पहली बार नजर पड़ी थी मेरी तो सोचा कि यार अगर जिंदगी में कोई लड़की आएगी ना तो यही आएगी, अगर मेरी शादी होगी तो रोशनी से होगी। लेकिन अब जब आई गई है मेरी जिंदगी में रोशनी, तो एक और बात कह देता हूं, सिद्धार्थ और रोशनी जिएंगे भी एक साथ और मरेंगे भी एक साथ। आप लोगों का हमें अलविदा कहने का वक्त आ गया, चले सिद्धार्थ, रोशनी, थैंक यू सो मच कि तुम लोग हमारी जिंदगी में आए, रियली। एनीवे, जल्दी लौट आना, तुम लोग बहुत मिस करेंगे। हम कहाँ जाएंगे नील बाबू, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। और वो कहते हैं ना, हर जन्म में रंग बदल के ख्वाबों के पर्दों पे हम खिल के, हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। ये पिक्चर का गाना है, ये इसके शब्द नहीं है, कहीं गलत मत समझ लेना, लेकिन हमारी सिचुएशन के साथ एकदम फिट बैठता है। I'll see you guys soon. Bye everybody. क्या हुआ सिद्धार्थ? कुछ नहीं, ऐसा लगा जैसे पूरी जिंदगी आंखों के सामने घूम गई हो। ऐसा लगा जैसे जैसे सब कुछ फिर से शुरू हो रहा हो, एक नई जिंदगी, एक नया रिश्ता।
तेरा सत्य नहीं रहा। ये मेरा बेटा है, मेरा करण। इसको इसके दादा दादी तक पहुंचा दीजिएगा। मेरा बेटा। अरे भाई आया लेके आया। गंगूताई क्या खूबसूरत तैयारी की है तुमने स्वतंत्रता दिवस की। नहीं खूब छान रंगोली काट ली है। फिर अपने चौल का इंडिया है, चमकना तो मंगता है ना। खरा है, खरा है, सही है। दिया कौन जलाएगा दीवाना? कितना मस्त सजाया आपने सब कुछ। इतनी मेहनत की आपने ये सब लगाने में, इसीलिए आपको चौल की सेक्रेटरी बना दिया है। भारत माता की जय। सुनिए सब अच्छे से हो गया? हाय शाबाश। मेरा सुनील और मेरी काजल, तुम्हारे जैसे बच्चे हो तो गंगूताई जैसे माँ के नाम की भी वाह वाह हो जाती है, पता है? नहीं आई, अगर आप जैसी औरत हो तो हम जैसे अनाथ बच्चों को माँ मिल जाती है। सच में ताई। गंगूताई तेरा असली सपूत सत्या कहाँ है, कहीं नजर नहीं आ रहा? अरे कहीं आराम फरमा रहा होगा। क्यों भाई लोग? नहीं नहीं तैयार हो रहा होगा, मैं लेके आती हूँ उसे। मेरी मामा, बच्चे माँ बाप के लिए फूलों की तरह होते हैं। हमारा काम है उन्हें खिलने देना, नर्चर करना। यू नो वॉट, आई एम रियली प्राउड ऑफ माई अपब्रिंगिंग। मेरी परवरिश का असर साफ दिखता है मेरे बच्चों में। वो तो दिखता है पायल जी, आप जैसी वुमन ऑफ सब्सटेंस ही एकदम परफेक्ट है हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर बनने के लिए। एग्जैक्टली, आपकी जो बड़ी बेटी है माही एकदम कमाल सी है, जिस भी चीज पर हाथ रख देती एकदम परफेक्ट से कर लेती है। आप इंडिपेंडेंस डे को ही देख लीजिए, स्पीच देते वक्त माइक किस एंगल में पकड़ना, वो सारी तैयारी उन्होंने की है, ए टू जेड। अरे आपकी छोटी बेटी कोयल किधर है, कहीं नजर ही नहीं आ रही। अब वो एक्चुअली दिल्ली में है, एक चैरिटी इवेंट के लिए गई है वहाँ। आई थिंक वी आर गेटिंग लेट फॉर द फ्लैग होस्टिंग, लेट्स गो। गौर से देखिए ये कैंची, क्या आपको लगता है आप इसका इस्तेमाल कागज काटने में कर सकती हैं या कपड़ा? एक बार फिर गौर से देखिए ये कैंची, क्योंकि एक सर फिरा इसका इस्तेमाल ना तो कागज काटने में करता है ना ही कपड़ा। जी हाँ, इसका इस्तेमाल करता है वो औरतों की गर्दन काटना। ऐसा घिनौना इस्तेमाल इस कैंची का एक ऐसा शख्स कर रहा है जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि खूनी है। अल्तु चला दो। दोस्तों आज इंडिपेंडेंस डे है और आज के दिन हम हमारे देश के लिए गर्व महसूस करते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि क्या हमारे देश की औरतें क्या वो आजाद है? मैं सबको कहना चाहती हूँ कि औरत देश का भविष्य है, औरत को निडर होना चाहिए। कटेगी ना ठीक से, एकदम मलाई की तरह। हाँ अपना काम कर दे,
ठीक है। आया था ना मैम, ये रिबन काटने के लिए लाया था, पर मैं कोई हथियारा नहीं हूं। मम्मा को बहुत दुख पहुंचाया है आज, शी इज वेरी अपसेट। ना शोना, नहीं शोना, मेरे बच्चे तूने कुछ बर्बाद नहीं किया, कुछ खराब नहीं किया, कुछ ऐसा नहीं किया जिससे पायल तुझ पे इतना भड़के। छोटी छोटी बात पे तुझे ताने देती रहती है, उसे दिखाई नहीं देता। सुबह से बिना खाए पिए तू उसकी अरेंजमेंट्स में लगी हुई है, तुझे उसकी असलियत कब दिखाई देगी बेटा? हमेशा तुझे सौतेला होने का ताना देती। मुझे एक बात पता, उसके अपने बच्चे कहाँ हैं? कोई पूछता भी है उसे? नहीं ना, उंगली तक नहीं उठाते। सारा काम तुझसे करवाती है वो। सच कहूं तो पायल तेरी माँ कहलाने के लायक ही नहीं है। अगर तेरी असली माँ रिया होती तो क्या तेरे साथ ऐसा बर्ताव करती? प्लीज दीदा, आप ये सब मत कहिए। मेरी मम्मा मेरी दुनिया है। दीदा, मम्मा ऐसी नहीं है। आप उनके बारे में गलत सोचती हैं। मेरी मम्मा वो है जो मुझ पे बहुत विश्वास करती है। दीदा, आप भी जानती हैं ना, मम्मा का जो सबसे जरूरी काम होता है वो मम्मा मुझे देती है। क्यों? क्योंकि मम्मा मुझ पे भरोसा करती है। क्या रे गरीबों के मैकमोहन, कुछ भी करने का, सत्याग्रह को रुलाने का नहीं क्या? क्या रे पंडो लोग, इधर में आने का, सब बर्बाद कर देने का, क्या हलवा है क्या? कह रहे लवली मीट शॉप, क्या पेन हो क्या रे तेरे को? पेन हुआ तो पेनवेल जाने का, आज के बाद लौट के श्री सिद्धि विनायक चौल में नहीं आने का क्या? कूल रहने का। अरे सत्या को सारे फेस बहुत मजबूत लगते हैं एकदम, हर फेस में कोई यूनिक बात रहती है। इधर लंडे मिंडे का नहीं है, राड़ा बेटा नहीं मांगता है इधर चौल के अंदर। ये सत्या हर किसी को बराबर बराबर टाइम बांट के देगा, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। इसे तो जवानी का बुखार चढ़ रहा है, तू जल्दी माइक ले ले, भाषण शुरू कर। मैं देखता हूँ कुछ भी पकेगा। ये अपन हीरो है, तो हीरो का जो स्टोरी है ना, एकदम हीरो माफिक होना मांगता है क्या? अभी तुम लोग पिक्चर में देखा रहेगा हैं कि हीरो का मदर एकदम ट्रेजिक होने का, दुखी भुखी रहने का, हैं बेटे को ऐसा पाल पोस के बड़ा करने का, बर्तन बर्तन माजने का, ऐसा करने का। ए माजी आई, कुछ अलग नहीं है, सब किया है रे ये सब कुछ। काहे को मानता है मैं इसको भगवान अपना, काहे को मानता है? अरे वजह है रे, अरे क्या नहीं देखा इसने, मेरे को बड़ा किया। मालूम मैं छोटा सा था, इतना इधर उधर जाता था मैं, तो मरद लोग बोलते थे इसको, ए गंगू कैसे करेगी तू? अरे तेरे साथ मरद नहीं रे, तेरे हाथ में किसी मरद का हाथ नहीं,
तेरे कंधे पे किसी मर्द का हाथ नहीं है। अरे तेरा लड़का, तेरा सत्या बड़ा होगा ना बिगड़ जाएगा, नसीब इसी में पड़ जाएगा। क्या किधर है मैं? अरे हीरो इस चौल का देख रहे हो तुम लोग कि नहीं? हाँ हीरो मैं इधर का, किधर है वो लोग मालूम नहीं, लेकिन मेरी आई इधर है, इधर ही चाहे वो क्या आई मस्त बोलता है कि नहीं। अपन ने फैसला लिया है कि अपन अपनी भाई को बोले दो वाइफ को फुल आजादी देगा, जो उसका मन करे करने का आजादी देगा। अरे उसको जो पहनना पहनने का, जो खाना है खाने का, जिधर जाना है जाने का, काम करना है करने का, नहीं करना है नहीं करने का, घर में रहना है रहने का, नहीं रहना है नहीं रहने का, आजादी देगा मैं। अपनी वाइफ को और अपनी सास को मस्त में ऐसा चमका के रखेगा मैं। अगर वो इधर नहीं आएगी ना तो मैं जाएगा उधर, क्या उसके पास जाएगा, उसके घर जाएगा मैं। तो क्या घर जमाया बन जाएगा? ए मदन चोपड़ा, घर जमाई नहीं, जमाई राजा।